मेलनं कारयामः। शंभो महेश करुणामय शूलपाणि गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन काशीपते करुणया जगदेतदेकस्तम हंसि पासि विदधासि महेश्वरो। माधवी मधुकरः बिहारस्य भागलपुर वास्तव्या एका सर्वोत्कृष्टा संस्कृत स्तोत्र गायिका। यूट्यूब इति सामाजिक संजाल पटले तया गीतानि संस्कृत स्तोत्राणि नहि केवलं देशवासिनां अथ वैदेशिकानां अपि मनांसि रंजयन्ति। विवर्षावधौ एव माधवी मधुकरेण गीतानि स्तोत्राणि यूट्यूब वाहिन्याम् अष्टकोटि जनाः अवलोकितवन्तः। गोवर्धन मठस्य शंकराचार्य स्वामिनः निश्चलानन्द सरस्वती वर्यस्य शिष्या माधवी मधुकरः मधुरम् नामकम् संस्कृत बैंड इति संगीत समूहम् अपि संचालयति। एतस्याः मधुराख्यः संस्कृत बैंड इति संगीत समूहः सर्वाधिक प्राचीने संस्कृत भाषा विषये यूनः प्रोत्साहयितुं समारब्धः अस्ति। यद्धि स्तोत्र मंत्र माध्यमेन राष्ट्रीय संस्कृतेः अभिव्यक्तं प्रस्तौति। मुदा करात मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतं सकं विलासि लोकरंजकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशनाशकं नमामि तं विनायकं। महोदये नमस्कारः। वार्तावल्यां भवत्याः सादरं स्वागतं व्याहरामि। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदये, सर्वप्रथमं तु वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् संगीत यात्रा एषा कदा प्रारब्धा? वैसे तो मैं बचपन से ही बहुत क्रिएटिव रही हूँ। जैसे डांस हो या पेंटिंग हो या इन चीज़ों में मुझे बचपन से ही बहुत रुचि रही है। और जहाँ तक संगीत की बात है तो वो तो मेरे मेरे वेंस में है, मैं अगर बोलूँ तो म्यूज़िक। और बाकी चीज़ें तो समय के साथ पीछे छूट गई, लेकिन संगीत को मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। वैसे सीखा मैंने कुछ भी नहीं, जो भी है वो सब सरस्वती माँ की ही देन है। और पिछले दो वर्षों से मैं संगीत सीख रही हूँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल। और सीखने का कार्यक्रम बस जीवन पर्यंत चलता रहे, बस यही प्रभु से विनती है। हिंदी इत्यादि भाषा परित्यज्य भवती स्वीय सांगीतिकाभिव्यक्त्यर्थं संस्कृतं किमर्थं चितवती? तत्पृष्ठे किमस्ति कारणम्? हम सभी जानते हैं संस्कृत सबसे पौराणिक भाषा है, और वेद पुराण हमारे सभी उपनिषद वगैरह जितने भी हैं वो सभी संस्कृत में ही हैं। आजकल की जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं सभी संस्कृत से डरते हैं, कहीं ना कहीं समझते हैं संस्कृत बहुत क्लिष्ट है, ये नहीं देखना या ये भजन नहीं सुनना, ये कुछ नहीं सुनना। लेकिन मुझे लगता है कि अगर संगीत के माध्यम से, अगर संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों को अगर थोड़ा संगीतमय बना के, थोड़ा लयबद्ध तरीके से, अगर त्रुटि रहित अगर कर दूँ अगर उसे, तो शायद सबको इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक, और सभी जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, सीखेंगे। और संस्कृत तो देव भाषा है, मेरे हिसाब से सभी को संस्कृत सीखना चाहिए, और मैं खुद सीख रही हूँ। स्टिल आई एम अ बिगिनर, आई एम स्टिल आई एम अ लर्नर। भवदीया इयं संस्कृतमयी संगीत यात्रा आध्यात्मिक मार्गे अपि सहायक अस्ति वा? आध्यात्म की ओर मैं कैसे बढ़ रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। ये
ये अपने आप ही अंदर से, मैं क्या बोलूँ, अगर भाव से मैं कोई भी भजन शुरू करती हूँ तो मेरी आंखें खुद में खुद बंद हो जाती हैं और मुझे लगता है कि मैं खुद प्रभु से एक जुड़ाव सा महसूस करती हूँ। और ये कहीं ना कहीं मेरे भजन से भी दिखता है कि लोगों को इतना पसंद आता है। और जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया YouTube पर अपने भजन स्तोत्र डालने का, तो पता नहीं कैसे हमें हमारे मार्गदर्शक आदि गुरु शंकराचार्य भी हुए, मैं उनकी शिष्या भी बन गई इन दौरान। फिर उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि मैं इनको, इन चीज़ों को कंटिन्यू करूँ, स्तोत्र भजन और आगे गाऊँ। और शंकराचार्य के भी मैं काफ़ी सारे भजन अभी स्तोत्र में अपलोड कर चुकी हूँ और आशा है सभी का आशीर्वाद रहा तो मैं इसी प्रकार और आगे भी कंटिन्यू करूँगी। भवती निज कलायाः प्रस्तुत्यर्थं यूट्यूब आदि अंतर्जालीय पटलानां प्रयोगं करोति, तर्हि एतानि अंतर्जाल पटलानि कथं भवत्याः कृते सहायकानि सिद्ध्यन्ति? वैसे तो मैं पहले भी भजन गाती थी, स्तोत्र गाती थी, लेकिन जब से मैंने YouTube पर अपलोड किए हैं या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं आई हूँ, तब से मुझे लोगों से जुड़ने का काफ़ी मौका मिला है। और जैसे पहले भी मैं आपसे बता चुकी हूँ, जैसे कोविड के पहले मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, तब तक कुछ भी पता नहीं था लोगों को कि कैसे सब घर के अंदर अपनी चार दीवारी में बंद रहेंगे और प्रभु को याद करेंगे। तभी मैंने रोगनाशक मंत्र भी एक अपलोड किया था, तो लोगों ने काफ़ी सुना, सब प्रभु को इतना चित्कार से पुकार रहे थे, वो करुणा भाव वो सबके कमेंट में मुझे दिख रहा था। यूट्यूब वाहिन्यां सब्सक्राइबर्स मध्ये वैदेशिकाः अपि सन्ति? जी, यूट्यूब में मेरे सब्सक्राइबर्स, अगर मैं 85% अगर भारतीय हैं तो 15% बाहर से भी, देशों के भी लोग हैं, जर्मनी से हैं, जैसे US, UK, फ्रांस, सब बहुत सारे कंट्रीज के लोग हैं जो सुन रहे हैं। भवदीयं तत् स्तोत्रं किमासीत् यत् कोरोना काले लोकप्रियं जातम्? वैसे तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्तोत्र कोरोना काल में ही मैंने अपलोड किए थे, जिसमें से सर्वाधिक जो लोगों से मुझे जिसका प्रेम मिला वो था कृष्णाष्टकम, उसके बाद वेदसार शिवस्तव और फिर अयगिरिनंदिनी। किमत्र श्रोतुं शक्नुमः वयम्? हाँ बिल्कुल, मैं कृष्णाष्टकम सुनाती हूँ कुछ सब। भजे व्रजैकमण्डनम् समस्त पाप खंडनम् स्वभक्त चित्त रंजनम् सदैव नंद नंदनम्। भजे व्रजैकमण्डनम् समस्त पाप खंडनम् स्वभक्त चित्त रंजनम् सदैव नंद नंदनम्। सुपेक्ष गुच्छ मस्तकम् सुनाद वेणु हस्तकम् अनंग रंग सागरम् नमामि कृष्णोदरम् नमामि कृष्णोदरम्। भवती अंगीकरोति वा यत् संस्कृतेन गानं भवत्याः लोकप्रियतायाः प्रमुखं कारणमस्ति इति? जी, मैं ज़रूर बोलूँगी कि संस्कृत में गाने से मुझे प्रसिद्धि मिली है, शायद इतनी लोकप्रियता मुझे किसी अन्य भाषा में गाकर नहीं मिलती, क्योंकि संस्कृत सभी के लिए कठिन तो है ही, उसको पढ़ने में, उसको बोलने में, उच्चारण में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। मैं खुद सीख रही हूँ और सीखती रहूँगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरे चैनल पर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने भी अपलोड्स हों संस्कृत के साथ में उसका हिंदी भी अनुवाद देती हूँ, ताकि लोगों को पढ़ने में समझने में कठिनाई ना हो और मेरे साथ साथ वो उसको सीखते हैं और गाते हैं। तो इस कारण शायद इस यही रीज़न होगा कि लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं और मेरे भजनों को, स्तोत्र को सुनते हैं और लोकप्रियता बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि नहीं, अगर अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को मैं अगर कुछ योगदान दे पाऊँ तो शायद इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी और जीवन पर्यंत मैं इसके लिए प्रयासरत रहूँगी। महोदये, सम्प्रति स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवः प्रचलति, राष्ट्रपरकं किमपि गीतं श्रोतुं शक्नुमः वयम्? जी, मैंने राष्ट्र के लिए हिंदी में एक संस्कृत गाया है गीत, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र ने लिखा था। भुवन भूषण मैं सुनाती हूँ आपको।
भुवन भूषण भव्य भारत वर्ष भूति निधान है, जय जया जय धृत विनय नय, जय जया जय धृत विनय नय, ऋत्य हिंदुस्तान है अनवत्य हिंदुस्तान है, भुवन भूषण भव्य भारत वर्ष भूति निधान है, जय जया जय धृत विनय नय, ऋत्य हिंदुस्तान है अनवत्य हिंदुस्तान है। वार्तावल्याः दर्शकैः सह हृदयगतः संवादः साधितः, तदर्थं भवत्यै भूरिशः धन्यवादः। आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे सभी श्रोतागण को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, धन्यवाद। लते